हेलो पीपल, मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हैं टेक एंड गेम्स विद प्रशांत, और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं GTA 5 के बारे में। ये एक नया सीरीज होने वाला है जिसमें हफ्ते में एक गेम्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और उसके डिटेल मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि GTA 5 के बारे में ऐसे बहुत सारे बातें मैं बताने वाला हूँ जो आपको या तो पता नहीं होगा या तो अच्छे से पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वही फैक्ट निकाला है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि जो बाकी यूट्यूबर बोल रहे हैं वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट लिखिए कि आपको GTA 5 गेम कैसा लगता है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन में है, जॉन मार्टन के बेटे ने एक बुक लिखा है GTA 5 के अंदर। अब आपको इस चीज़ को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फ्रैंकलिन के वाइनवुड के नज़दीक वाला जो घर है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर उस घर में आप लिविंग रूम में जाके बुक जहाँ पे रखा है, जो शोकेस में रखा है, वहाँ पे अगर आप जूम करते हो तो आपको वहाँ पे एक बुक मिलेगा रेड डेट करके। रेड डेट मतलब 2010 में आए RDR का ये रेफरेंस है एक, और दूसरा उसका जो मेन कैरेक्टर है उसके बेटे ने लिखा है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप लोग इस चीज़ को जाके चेक कर सकते हैं। नंबर टू, आप लोगों को पता होगा कि फ्रैंकलिन का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है लमार, उसके साथ वो बहुत सारे मिशन भी करता है। क्या आपको पता है ये भी प्लेएबल कैरेक्टर होने वाला था ओरिजिनल गेम में, लेकिन इसको हटाया गया क्योंकि फ्रैंकलिन को मारने का ऑप्शन फाइनल प्रोडक्ट से हटा दिया गया था। वरना जो लास्ट का मिशन होता है जहाँ पे हमें या तो ट्रेवर को या तो माइकल को मारना होता है, तो उसमें थर्ड ऑप्शन जो होता है जिसमें तीनों को बचाने का ऑप्शन है, उसको हटा के पहले किल फ्रैंकलिन का ऑप्शन रखने वाले थे, लेकिन इसको हटा दिया गया। और मुझे लगता है बहुत अच्छा किया, क्योंकि फ्रैंकलिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है GTA 5 के अंदर। नंबर थ्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेवर के गाड़ी के बारे में, जो उसके पास जो लाल कलर का गाड़ी होता है उसका नाम पता है क्या है, केनिस बॉडी। जी, केनिस बॉडी ये जो नाम है ये दो रेफरेंस को हाईलाइट करते हैं। एक तो जो 1991 में एक मूवी आई थी पॉइंट ब्रेक, जिसमें एक बैंक रॉबर का नाम होता है बॉडी, और दूसरा जो स्टीफन ऑग है जिसने ट्रेवर का वॉइस ओवर किया हुआ है, मोशन कैप्चर किया हुआ है, उनका बच्चे का नाम भी बॉडी है। तो बहुत अच्छा नाम है ना, गाड़ी का नाम भी वही और बच्चे का नाम भी वही। नंबर फोर, ये तो आपको पता ही होगा कि तीनों कैरेक्टर का अलग अलग सोने का पैटर्न है, एक सोता है 6 घंटे, एक सोता है 8 घंटे और एक सोता है 12 घंटे। लेकिन आपको पता है इस चीज़ का आप बहुत अच्छा फ़ायदा भी उठा सकते हो। जैसे आपने कोई बिजनेस खरीदा हुआ है और आपको पैसा की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वेट करने से अच्छा आप जाके सो जाओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार सो जाओ। और अगर आप ड्राइवर बन के सोते हो तो 12 घंटे तक सोते रहोगे, तो 12 घंटे तक सोते सोते आपने 10 बार सो लिया तो आपको 5 दिन क्रश हो जाएगा, ऐसे आप पैसा भी कमा सकते हो। नंबर फाइव में आपको पता है जो तीन कैरेक्टर है ना, ये तीन कैरेक्टर अलग अलग चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे माइकल जो है वो अमीर है, रिटायर्ड है, एक्सपीरियंस है, और जो फ्रैंकलिन है वो नया है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और वो बहुत बड़ा चीज़ करना चाहता है, माइकल जैसा बनना चाहता है, उसको अपना पापा जैसा मानता है, और माइकल भी बेटा जैसा मानता है फ्रैंकलिन को, और फ्रैंकलिन रहता भी वैसे जगह पे है जहाँ पे गैंग वार होता रहता है। और ट्रेवर को ऐसा दिखाया गया है कि जो बिंदास है, किसी चीज़ को केयर नहीं करता, बस अपने आप में खुश रहता है, अपने आप वो खुश हो सकता है, ऐसा वाला दिखाया गया है। क्या आपको पता है TV शो लॉस्ट से भी एक रेफरेंस को इस गेम में रखा हुआ है। अगर आप कोस्ट ऑफ सैंडीसोर में जाते हो और 500 फीट नीचे जाते हो तो वहाँ पे ना आपको एक बंकर टाइप दिखता है जिसमें से एक आवाज़ आ रहा होता है, एक लाइट जल रहा होता है, जो डायरेक्ट रेफरेंस है TV शो लॉस्ट का। अब आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। आपको पता है जो फ्रैंकलिन है और जो ट्रेवर है, इन दोनों का एज डिफरेंस गेम में 20 ईयर्स का दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में ट्रेवर का जो वॉइस ओवर करने वाले एक्टर है स्टीफन ऑग, वो फ्रैंकलिन के वॉइस ओवर करने वाले एक्टर से 5 साल छोटे हैं। बहुत अजीब बात है ना। तो ये तो था आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट GTA 5 जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा है जिसमें बाकी चीज़ तो सब कुछ बताया गया है, जो चीज़ आपको नहीं बताया गया है वो ये जो मैंने पॉइंट बताया ये है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइए, और कल आ रहा है GTA 5 और माइनक्राफ्ट के गिव अवे का रिजल्ट। पसीना पसीना हो गया मैं, चलो कोई नहीं। सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक भी कर देना, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।